14 अगस्त 1947 जुमे का मुबारक दिन खुशियों और खुशखबरियों की नवीद लेकर तुलू हो चुका था। हर तरफ एक अजीब चमक और रंग दिखाई दे रहा था। पाम ने अपनी मंजिल पाली थी। कायदे आजम और उनके अजीम रुफकाए कार की अंथक मेहनत और पाम के जज्बे से सुबह आजादी इस्तकबाल के लिए सामने खड़ी थी। और ये आगाज था एक नई सुबह और एक नई तारीख। तारीख का ये सफर आज 75 बरस पर मुहित है और हमेशा जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज़ादी के 75वें बरस की इस खूबसूरत शाम में पीटीवी के इस खसूसी प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान जुगन काजम आप सबको वेलकम करती हूँ। अगस्त का महीना रोशन सुबह का एक इस्तियारा है। ये आपकी मेरी हम सब की आज़ादी का महीना है। 1947 से 1960 तक 14 साल का ये जो दौर था, ये पाकिस्तान की तारीख के लिए अहम तरीन दौर था। आज प्रोग्राम में हम अपने वतन की तारीख का सफ़र भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे हमारे सवालात और यहाँ मौजूद तलबा के जवाबात के ज़रिए। सो सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आप लोग जीतेंगे क्या, क्योंकि जब भी क्विज शो की बात होती है या गेम शो की बात होती है तो पहला सवाल यही होता है कि एंड में क्या मिलेगा। तो हमारे स्पॉन्सर्स, जिनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी सपोर्ट दी, तो उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मेन स्पॉन्सर्स जो हैं वो हैं सर्विस टायर्स, बेस फ्रेश एंड रॉयल फैंस। तो जो हमारे 10 फाइनलिस्ट अभी सामने आएंगे पहले हमारे सेगमेंट के बाद, उनमें से 8 लोग जस्ट बिकॉज वो पोडियम्स पे आ गए हैं, उनको मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम सर्विस एंड फेस फ्रेश। देन रनर अप को क्या मिलेगा? रनर अप को सर्विस की तरफ से कैश प्राइज एंड रॉयल फैंस की तरफ से रूम कूलर। सो आई थिंक डेफिनेटली हमें अपने स्पॉन्सर्स का एक प्यारे अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उसके साथ फर्स्ट पोजिशन होल्डर, चाहे वो हमारी कोई बच्ची हो या हमारा बच्चा हो, आप में से कोई भी एक जो विनर होगा नंबर 1 को सर्विस टायर्स की तरफ से बाइक मिलेगी और फेस फ्रेश की तरफ से LED। जी हाँ, तो अब हमारे इस शो के सेगमेंट्स क्या हैं? 5 सेगमेंट्स हैं टोटल। इसमें आपकी मालूमात की आजमाइश भी होगी और हमारे देखने वाले जो हैं दुरुस्त जवाबात के थ्रू पाकिस्तान के सफ़र के बारे में जान सकेंगे। अब जो 30 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, 30 जो हमारे तालिबे इल्म हैं, शुरका हैं, इनमें से कोई एक खुशनसीब हमारे ग्रैंड प्राइजेस को जीतेगा एंड रनर अप एज़ वेल। एंड मेरे ख्याल से अब देखते हैं कि होगा क्या, क्योंकि सारी चीज़ें तो एंड में ही डिसाइड होंगी प्रोग्राम के अख्तिताम में। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट होगा सिलेक्शन राउंड, जिसमें हमारे पास 30 कॉन्टेस्टेंट्स होंगे। दोनों तरफ मौजूद 15-15 मेहमानों में से 5-5 सवालात किए जाएंगे और दोनों तरफ से जो 10 कॉन्टेस्टेंट्स हमारे सवालों का दुरुस्त जवाब देंगे, वही हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी के 20 कॉन्टेस्टेंट्स वहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। So, जैसे ही सवाल सुने अगर आपको जवाब आता है तो फौरन बजर को दबाना है। तो फर्स्ट हम सिलेक्शन करेंगे राइट साइड से और फिर सिलेक्शन करेंगे लेफ्ट साइड से। आर यू रेडी? मुझे तालियों से पता चलेगा कि हम तैयार हैं कि नहीं। बिल्कुल सही, हमारा पुरजोश यूथ हमारे साथ है।
तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। जेंटलमैन, जी हाँ, पहला सवाल है, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ओके, क्वेश्चन नंबर वन पे सबसे पहले बजर बजाया है कंटेस्टेंट नंबर 5 ने। जी बेटा, हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में अपना हल्फ उठाया था। आपको क्या लगता है, जवाब सही है? बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब। कंटेस्टेंट नंबर 5 आ जाएं पोडियम नंबर 1 पे, गुड जॉब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली के पहले स्पीकर का नाम बताइए। जी हाँ, कंटेस्टेंट नंबर 12, मौलवी तमीजुद्दीन। बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब। आ जाइए बेटा, आप पोडियम नंबर 2 पे आ जाइए। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल। किस मुल्क ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया? ओके, कंटेस्टेंट नंबर 9, सबसे पहले पाकिस्तान को ईरान ने तस्लीम किया। बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए पोडियम नंबर 3 पे, और अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे सवाल की तरफ। याद रखिएगा, आपके एंड पे अब 2 और सवाल रह गए हैं। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो हो गए, अदरवाइज इमीडिएट एलिमिनेशन हो जाएगी 10 लोगों की। पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे? ओके, पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा। बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब। आ जाओ बेटा पोडियम नंबर 4 पे, और अब फाइनल क्वेश्चन, थोड़े से अलर्ट हो जाएं। फाइनल क्वेश्चन, ओके गाइस, ठीक है। अब एक बच्चा राइट साइड से सेलेक्ट होगा, सो लेट्स सी कि वो कौन होगा। एज गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मुल्क का दौरा किया? कंटेस्टेंट नंबर 6, बांग्लादेश। गलत जवाब। अगले सवाल की तरफ जाऊंगी, लेकिन ये जरूर बता दूंगी कि किसी भी मुल्क का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द फाइनल क्वेश्चन होपफुली। पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम का नाम बताइए, सेकंड वजीर आजम। खजाना नदीमुद्दीन। बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब। आ जाइए पोडियम नंबर 5। सॉरी जेंटलमैन, जो हमारे 10 कंटेस्टेंट्स अब नहीं आगे बढ़ेंगे, उनके लिए बहुत प्यार और बहुत सी दुआएं, लेकिन आप हमारे साथ शो के एंड तक रहेंगे, आपकी सपोर्ट की हमें फिर भी जरूरत है। ओके लेडीज, तैयार हैं? ओके, बढ़ते हैं अब अपनी लेडीज की तरफ, और जानते हैं कि इनमें से कौन से 5 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ेंगे टू आर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो पहला सवाल, वफाकी अदालत पाकिस्तान के किस शहर में कायम की गई? 28, कराची। बिल्कुल सही जवाब दिया। बेटी आ जाओ पोडियम नंबर 6, लेट्स गो बेटा। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लियाकत अली खान को किस सन में शहीद किया गया? 30 ने सबसे पहले बजर बजाया है। जी बेटे, 1951। बिल्कुल सही बेटे, आ जाओ पोडियम नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्क में पहले मार्शल लॉ लगाने वाले सरबराह का नाम बताइए। नंबर 26, जनरल अयूब खान। बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए बेटे पोडियम नंबर 8 पे, और
दो और कंटेस्टेंट्स अब सेलेक्ट होने हैं इस राउंड में, टू मोर कंटेस्टेंट्स। पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा का रुकन कब बना? आई वॉन्ट द कंप्लीट डेट एंड द राइट बजर वॉज बाय नंबर 29। 30 सितंबर 1947। 30 सितंबर 1947। आर यू श्योर? यस। 100%? यस। आपका जवाब भी 100% राइट है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। वेल डन। आखिरी सवाल, जिसके बाद हमारे पहले सेगमेंट के जो फाइनल कंटेस्टेंट्स हैं वो डिसाइडेड होंगे। पोडियम नंबर 10 पे कौन आएगा, आइए देखते हैं। फाइनल क्वेश्चन, मोहम्मद अली बोगरा फॉर्मूला कब पेश किया गया? जी 70 नंबर। 1953। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ग्रेट जॉब बेटा। 70 नंबर, आप आ जाएं पोडियम नंबर 10 पे। ओके, सो अब आप सबको मैं इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दूं कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। हमारे ये 10 कंटेस्टेंट्स जो हैं, सबसे पहले तो हम इनके लिए तालियां बजाएंगे, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब वक्त हुआ जाता है हमारे रैपिड फायर राउंड का। आइए चलते हैं अब अपने दूसरे राउंड की तरफ। ये होगा हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम अपने पहले राउंड में सिलेक्ट होने वाले कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछेंगे, और जो इनमें से ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब देगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। रैपिड फायर राउंड में हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स बचेंगे, और बाकी 4 जिन्होंने कम सवालों के जवाब दिए हैं वो वहीं इलिमिनेट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 से। आपको मैं ये बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि स्पीड से सवाल पूछूंगी, आपने जवाब नहीं दिया या स्किप कर दिया, दैट्स इट। रैपिड फायर का मतलब है आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, कंटेस्टेंट नंबर 1, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताइए। लियाकत अली खान। कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इफ्तिताह कब की? 1 जुलाई 1948। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कितने सरमाए से कायम किया गया? 3, 2, 1। ओके, नंबर 5, पहले पार्लियामानी दौर के आखिरी वजीर आजम कौन थे? पहले पार्लियामानी दौर के आखिरी वजीर आजम बोगरा से। बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ। आर यू रेडी? ओके, पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम बताइए। मुल्क में पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया? 1956 का आयन कितना अरसा नाफिज रहा? 2 साल तक तकरीबन। नहीं, सिकंदर मिर्जा को इनके ख्वाहिश पर कहाँ भेजा गया? बांग्लादेश। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का तस्फिया किसके तवसुत से हुआ? आलमी बैंक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। आर यू रेडी? यस। ओके, लियाकत नेहरू मुहायदा कब तय पाया? 1948। रॉन्ग। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने कब दस्तूर साहब असेंबली तोड़ी? 1954। राइट आंसर। कायद आजम ने अपनी जायदाद किस मकसद के लिए वक्फ कर दी? ट्रस्ट। उन्होंने किस चीज के लिए?
नहीं बेटा, बहुत लंबा आप कर रहे हो, तालीम के लिए। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल आंसर। पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के कुल कितने अरकान थे? पहली दस्तूर साज असेंबली के? बिल्कुल, पहले थे 69, फिर उनको बढ़ा के 79 कर दिया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के पहले वजीर खजाना कौन थे? पहले वजीर खजाना थे फाइनेंस। That's it, बच्चे, we're moving on. Time up. Next, अब चलते हैं contestant number 4 की तरफ। Quick answers, okay? कयामे पाकिस्तान के बाद किस कानून में तर्मीन करके मुल्क में नाफिज किया गया? 1935। Done. पाकिस्तान की पहली काबीना ने किस तारीख को हल्फ उठाया? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान फंड किसने कायम किया? लियाकत अली खान। कायदे आजम ने। कायदे आजम के मौलिज का नाम बताएं। ये बड़ी जगह हिस्ट्री बुक्स में है। 1950 में किसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर मुंतखब किया गया? चौधरी खलीकुज़्ज़मान। लियाकत अली खान। कंटेस्टेंट नंबर 5। ओके, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल का नाम बताएं। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। क्या नाम है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। डन। शाह ईरान रजा शाह पहलवी ने पाकिस्तान का पहला दौरा कब किया? 13 अगस्त 1954। गलत। पाकिस्तानी फौज के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? फ्रैंक मिसेवरे। बिल्कुल भी नहीं, जनरल ग्रेसी। मुल्क के तीसरे गवर्नर जनरल का नाम बताइए। मलक गुलाम मोहम्मद। बिल्कुल सही। जी हाँ व्यूअर्स, हुआ कुछ ये है कि पांचों के पांचों लड़कों का एक ही स्कोर है, तो अब हम आप सब किससे एक एक सवाल पूछेंगे और देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। ओके, कंटेस्टेंट नंबर 1, पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी का कयाम कब अमल में आया? 1949 में। गलत। कंटेस्टेंट नंबर 2, चौधरी रहमत अली की वफात किस सन में हुई? 1951, कैम्ब्रिज में दफन हुए। बिल्कुल सही। कंटेस्टेंट नंबर 3, सिंध सेफ्टी बिल कब मंजूर हुआ? सिंध सेफ्टी बिल 1960। रॉन्ग आंसर, 1950। ओके, नंबर 4, अप्रैल 1948 में किस रियासत ने पाकिस्तान से इल्हाक किया? बहावलपुर। रॉन्ग आंसर। ओके बेटा, कयामे पाकिस्तान के बाद कायदे आजम कब लाहौर तशरीफ लाए? मुझे पूरी डेट चाहिए बेटा। 21 अगस्त। बिल्कुल भी नहीं, 26 अक्टूबर 1947। ओके, अभी तक सिर्फ एक कंटेस्टेंट ने जवाब सही दिया है। ओके, कंटेस्टेंट नंबर 2 सेफ है, तो आप अब इजी हो जाएं। मैं कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास वापस आती हूँ। आज़ाद कश्मीर हुकूमत कब कायम हुई? कंटेस्टेंट नंबर 1, 24 अक्टूबर 1947। जी हाँ, आपका जवाब सही है, आप भी सेफ हैं और बेटा आप भी सेफ हैं। पंजाब के पहले वजीर आला कौन थे? इफ्तिखार हुसैन ममदूद। बिल्कुल सही, वेल डन। थैंक यू। ओके, कंटेस्टेंट नंबर 4, आजादी के वक्त मगरबी पाकिस्तान की हदूद में कितनी आजाद रियासतें थीं? 15। रॉन्ग आंसर, 10। कंटेस्टेंट नंबर 5, अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत किस मुल्क ने की? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही। जी हाँ, जो फाइनलिस्ट हमारे साथ अब आगे बढ़ेंगे, आप में से आपके साथ शेयर करती हूँ। आगे हमारे साथ बढ़ेंगे कंटेस्टेंट नंबर 5, कंटेस्टेंट नंबर 1 और कंटेस्टेंट नंबर 2।
सो कंटेस्टेंट 1, 2 एंड 5 हमारे साथ आगे बढ़ेंगे. आपको मुबारक हो. अब बढ़ते हैं हम गर्ल्स की तरफ. रेडी? यस. ओके, वी विल स्टार्ट विद कंटेस्टेंट नंबर 6. ओके, सिंतास मुआहिदा के तहत पाकिस्तान को किन दरियाओं पर हक्के मलकियत मिला? दरियाए चिनाब, दरियाए सिंध और दरियाए सतलुज. रॉन्ग आंसर जानी. एक रॉन्ग आंसर है. चिनाब, सिंध एंड चिनाब, जेहलम. बिल्कुल सही. यू कांट टेक सो लॉन्ग टू आंसर. सॉरी. ओके, पाकिस्तान का पहला आइन किसकी वजारत उज़्मा में मंजूर हुआ? मोहम्मद अली बोगरा के जाने के बाद फर्स्ट आइन बना, जो कि उस टाइम के मोहम्मद अली उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे. सही. लेकिन बेटे, यू कांट कीप गोइंग राउंड एंड राउंड. ओके, आई एम गोइंग टू कैंसिल योर आंसर आफ्टर दिस नेक्स्ट टाइम. ठीक है. पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम का नाम बताएं. मोहम्मद अली बोगरा. बिल्कुल सही. पाकिस्तान ने सीटों में कब शमूलियत अख्तियार की? 1956. रॉन्ग, 1954. मोहम्मद अली बोगरा किस मुल्क में पाकिस्तान के सफीर रहे? फ्रांस. रॉन्ग आंसर, अमेरिका. ओके, कंटेस्टेंट नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ेंगे और क्विक आंसर्स और बार बार सोच सोच के चौकड़ वर्क. ओके, मशरकी पाकिस्तान में पहली इंतखाबात कब हुए? 1954. करेक्ट आंसर. पाकिस्तान के किस वजीर आजम ने 1956 में चाइना का सरकारी दौरा किया? हुसैन शहीद सोहरावर्दी. बिल्कुल सही. पाकिस्तान के छठे वजीर आजम कौन थे? आईया चंडीगढ़. बिल्कुल सही. सो बुनियादी असूलों की कमेटी ने पहली रिपोर्ट कब पेश की? 1950. मगरबी पाकिस्तान के पहले वजीर आला डॉक्टर खान साहब का कत्ल कब? बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का फैसला किस सन में किया गया? 1945. ये भी 1947 से. 1948. नो जानी, 1959. मेरा बच्चा, थिंक अबाउट इट ना. 1947 से हम 1960 की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी आसानी तो ये है कि उसी के अंदर घूम रहा होगा. ओके, बुनियादी जमहूरियतों के कुल कितने अरकान थे? 80,000. ओके, नंबर 9 की तरफ अब हम बढ़ेंगे. आर यू रेडी? यस. ओके, पहली पाकिस्तान भारत की लड़ाई कब, किस सन में हुई? 48. सही. अक्वामे मुत्तहिदा के किस इदारे ने पाक भारत 1948 की जंग बंद करवाई? यूएनओ. सलामती काउंसिल. सलामती. कायदे आजम ने कब मशरकी पाकिस्तान का दौरा किया? 48 में. मंथ? मंथ नहीं, 48 में गया था, ये याद है. आई गिव दैट यू बिकॉज़ इट वाज मार्च 1948. अच्छा, कायदे आजम की रेडियो पाकिस्तान से आखिरी तकरीर कब नशर हुई? वो भी मार्च 1948 में. मार्च में नहीं हुई थी. गलत आंसर है ये. 27 अगस्त 1948. ये तो हिस्ट्री बुक्स भी हर जगह इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है. कयामे पाकिस्तान के बाद पहली बार तहरीक ख़त्म नबूवत कब शुरू हुआ? 1953 में.
बिल्कुल सही। ओवर टू आर फाइनल कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट नंबर 10, जिन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट में हमें जवाब दिया था पिछला, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, गवादर का पाकिस्तान से इल्हाक कब हुआ? 19... हम्म, ईयर जल्दी बताओ। 1948। रॉन्ग आंसर, 1958। दारुल हुकूमत कमीशन कब कायम किया गया? जल्दी बेटे, 3, 2, 1। 1959। ओके, बुनियादी जमहूरियतों का पहला इंतखाब कब हुआ? 3, 2, 1। 1960। अयूब खान ने सदर पाकिस्तान का हल्फ कब उठाया? 1960 में। मौलाना जफर अली खान की वफात किस सन में हुई? 1954। रॉन्ग आंसर मेरा बेटा। सो कंटेस्टेंट नंबर 10 अब हमारे साथ नहीं, आगे बढ़ेंगी, और हमारे साथ आई थिंक कंटेस्टेंट नंबर 8 भी आगे नहीं बढ़ेंगी, बिकॉज आपने भी किसी सवाल का सही जवाब नहीं दिया था। सो द फाइनलिस्ट ऑन दिस एंड आर कंटेस्टेंट नंबर 6, 7 एंड 9। हमारे पास अब 6 कंटेस्टेंट्स हैं। जो कंटेस्टेंट्स ये वाला राउंड हमारे साथ खेलेंगे उनमें कंटेस्टेंट नंबर 1 है, कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं, कंटेस्टेंट नंबर 5 हैं ऑन माई राइट साइड, एंड देन ऑन माई लेफ्ट साइड कंटेस्टेंट नंबर 6, 7 एंड कंटेस्टेंट नंबर 9। आप लोगों को मुबारकबाद हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे ऑडियो वीडियो पिक्चर्स सेगमेंट की तरफ। इसमें हम अपने कंटेस्टेंट्स को स्क्रीन पर एक शख्सियत, एक तारीखी जगह और एक मिली नगमा या आवाज सुनाएंगे। जो दुरुस्त शनाख्त कर लेगा वो हमारे अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा। इस सेगमेंट में 4 लोग रह जाएंगे और बाकी 2 डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू कंटेस्टेंट नंबर 1 एंड दिखाते हैं आपको जगह की तस्वीर। हड़प्पा। रॉन्ग आंसर। बढ़ते हैं टुवर्ड्स शख्सियत की तस्वीर। जी लियाकत अली खान। बिल्कुल सही। और अब गौर से सुनना है शख्सियत की आवाज। आई प्रे टू गॉड दैट दिस क्रिटिकल मोमेंट ही मे गाइड अस एंड एनेबल अस टू डिस्चार्ज। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। बिल्कुल सही, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की तकरीर। वेल डन बेटा, 2 out of 3 नॉट बैड, बट इज इट एज गुड एज 3 out of 3? लेट्स सी। ओके, तो कंटेस्टेंट नंबर 2, आप तैयार हैं? जी। ओके, इनको जगह की तस्वीर दिखाएं प्लीज। फोर्ट अब्बास। क्या? फोर्ट अब्बास। रॉन्ग आंसर। ओके, चलते हैं शख्सियत की तस्वीर की तरफ। हफीज जालंधरी। बिल्कुल सही, वेल डन। और अब हम आपको सुनाएंगे शख्सियत की आवाज। इट्स अ बैड पास्ट, इट्स अ टेरिबल पास्ट। आई डोंट वांट टू से व्हाट इंपेडिमेंट्स वर प्लेस्ड फॉर अस टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्टर्न पाकिस्तान आफ्टर द इलेक्शंस। जी बेटा। लियाकत अली खान। रॉन्ग आंसर, जुल्फिकार अली भुट्टो। बढ़ते हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 की तरफ। बेटा आप तैयार हैं? ओके, इनको जगह की तस्वीर दिखाएं। ज़ियारत रेजिडेंसी। ज़ियारत रेजिडेंसी किसकी रिहाइश की जगह है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल सही।
शख्सियत की तस्वीर दिखाएं। पायलट M.M. मालम। बिल्कुल सही, वेल डन बेटा। ओके, तो अब हम सुनेंगे ऑडियो। जी वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना। मैडम नूरजहां। की करता है पुत्र, की करता है, सोचो। मैडम नूरजहां नहीं है, नयरा नूर साहिबा हैं, मेरा बेटा। आते हैं हम कंटेस्टेंट नंबर 6 की तरफ और इनको दिखाइए जगह की तस्वीर। फाइव फोर थ्री टू वन, डू यू नो द आंसर, यस और नो? इट इज नूर महल। ओके, शख्सियत की तस्वीर दिखाते हैं आपको बेटी। अयूब खान बेटे, अब मैं आपको शख्सियत की आवाज सुनाऊंगी। माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, घड़ी है लेकिन मेरे दिल ये तो फकत तीखी घड़ी है। जी बेटा, फैज अहमद फैज मेरा बेटा, मेरी गुड़िया। चलो, डजंट मैटर। कंटेस्टेंट नंबर वेरी सीरियस लुकिंग 7, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम, वेरी सीरियस गेम विद वेरी सीरियस प्राइजेस। हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया, लेकिन है तो गेम। चल मेरे बेटे, देखते हैं जगह की तस्वीर। जी बेटा, जी बेटा, हिरण मीनार। नेक्स्ट तस्वीर आपके साथ शेयर हो। मैडम नूरजहां। बिल्कुल ठीक। बाय द वे, ये जो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये हम आपके साथ रैंडम सिलेक्शन से कर रहे हैं। वो जो हमारे पास ऑटो जनरेटेड सिस्टम है, उसके थ्रू हम आपको जनरेट करके ये चीजें दिखा रहे हैं। अब सुनते हैं एक, चलो ये बता देती हूँ, मिल्ली नगमा। मोहम्मद रफी। मैं सद के जाऊं, आलमगीर। ओके, यही तो ऑब्जेक्टिव है इस शो का, कि आप लोगों की जनरेशन जिन्होंने ना तो ये चीजें देखी ना तो ये चीजें सुनी, आप लोगों के अंदर नॉलेज बढ़े। एंड फाइनल कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट नंबर 9, आर यू रेडी? ओके, इनको दिखाते हैं जगह की तस्वीर। बावल कैफर। ओके, पढ़ते हैं पिक्चर ऑफ पर्सनालिटी। जस्ट बिकॉज एक सही हो गया, इसका ये मतलब नहीं है मजीद और सही होंगे, अल्लाह करे हो, बट लेट्स सी पिक्चर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। ओके बेटा, मान लेती हूँ। एंड पर्सनालिटी की आवाज। इनके लिए चाय बनाई, इनके लिए जलेबी टेबल पर रखी। अच्छा, उसके बाद मैंने बेगम उठ गई, उनके साथ नाश्ता किया, बिल्लियों को खाना दिया, उनके साथ नाश्ता किया, उसके बाद थोड़ी वॉकिंग की बाहर, उसके बाद आकर बैठा, तिलावत की। तिलावत में ज़रूर करता हूँ रोज। डॉक्टर अब्दुल कदीर, ये इनका काफ़ी फेमस एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने अपनी सेंटिमेंट शेयर की हैं, इसीलिए आप लोगों को कहा था पूरी तैयारी करके आए। सो आगे हमारे साथ कौन से कंटेस्टेंट्स बढ़ेंगे, सवाल तो ये है। कंटेस्टेंट नंबर 1 आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, नंबर
5, कंटेस्टेंट नंबर 7 एंड 9 हमारे साथ बढ़ेंगे. बहुत सी तालियां. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और शुरू करेंगे अब हम अपना अगला सेगमेंट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आप देख रहे हैं अजमे आली शान और हम बज राउंड शुरू करेंगे. अब चलते हैं हमारे चौथे बजर राउंड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम अपने चार कंटेस्टेंट से सवाल पूछेंगे. जिसको जवाब मालूम होगा वो पहले बजर प्रेस करेगा और सवाल का जवाब देगा. जिसने ज्यादा सवालों का जवाब दिया होगा वही हमारे फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. इस सेगमेंट में हमारे पास दो उम्मीदवार बाकी रह जाएंगे जो हमारे साथ हमारा फाइनल राउंड खेलेंगे. बच्चों सवाल और फौरन फौरन बजर दबा के जवाब. माउंटबेटन ने पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली से कब खिताब किया? 14 अगस्त 1947. बिल्कुल सही बेटा, वेल डन. ओके, लियाकत अली खान के बाद वजारत खारजा किसके सपुर्द की गई? जी बेटा जफरुल्लाह खान. जफरुल्लाह खान बिल्कुल सही बेटा, वेल डन. अब गौर से सुनना ये सवाल. सूबाए पंजाब के पहले मुसलमान गवर्नर कौन थे? पहले वन ने दबाया. जी बेटा अब्दुर्रब निश्तर. बिल्कुल सही, गुड जॉब. अभी तक आपने दो जवाब सही दिए और आपने एक दिया है और अभी सिर्फ दो सवाल बाकी हैं. लियाकत अली खान को कहां शहीद किया गया? नंबर 5 ने पहले बताया. रावलपिंडी में. बिल्कुल सही. ये टाई ना हो जाए इसलिए जो पहले बजर बजाएगा. जिन्ना मुस्लिम लीग किसने कायम की? 5. अब्दुल हमीद बादशाह ने. गलत जवाब है. मोहसिन मुल्क. गलत जवाब है. ओके अगेन वन मोर क्वेश्चन टाई ब्रेकर के लिए. पाकिस्तान की पहली पार्लियामानी दौर में सबसे बड़ी काबीना किस वजीर आजम की थी? जी बेटा 5. लियाकत अली खान. आपने ट्राई करना है जवाब के लिए. बोगरा. बिल्कुल सही, ग्रेट जॉब. यू हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड. आई एम सॉरी मेरा बेटा. My apologies. बढ़ते हैं आप अपनी लेडीज की तरफ. पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम ने अपने ओहदे का हल्फ कब उठाया? I want the date. जी बेटी 17 अक्टूबर 1951. बिल्कुल सही. Well done, well done. Okay. मुल्क के दोनों हिस्सों में शावी नुमाइंदगी के उसूल किस वजीर आजम के दौर में मंजूर किए गए थे? मोहम्मद अली बोगरा. वेरी गुड बेटा. मुल्क के पहले सदर ने कब हल्फ उठाया? नहीं पता, आप बताइए. 23 मार्च 1956. बिल्कुल सही बेटा. ओके टेंशन टॉपो टॉप जा रही है. अब ये दोनों कंटेस्टेंट्स 100% क्या अपने साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन कौन क्या लेके जाएगा वो आखिरी सेगमेंट के बाद पता चलेगा. आप हमारे साथ रहिएगा. आप देख रहे हैं अजमे आलीशान. अब हम चलते हैं अपने फाइनल राउंड वन ऑन वन की तरफ. इस सेगमेंट में हम अपने बाकी रह जाने वाले दो कंटेस्टेंट से एमसीक्यूज बेस्ड 5 सवाल पूछेंगे. जिसने ज्यादा सवालात के दुरुस्त जवाब दिए वो हमारा विनर होगा और जिसने कम सवालों के जवाब दिए वो हमारा रनर अप होगा. अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं हमारी इस क्विज कंपटीशन में, जहां पे ये तो हमें पता है कि जो हमारे दोनों सेट्स ऑफ प्राइजेस हैं
वो यही दोनों बच्चे लेके जाएंगे। अब वो क्या हैं? फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होंगे इन दोनों में से कोई एक शख्स, उनको मिलेगी बाइक फ्रॉम सर्विस टायर्स एंड एलईडी फ्रॉम फेस फ्रेश। और हमारे जो रनर अप हैं, जो आप दोनों में से अल्टीमेटली कोई एक होंगे यकीनन, उनको सर्विस टायर्स की तरफ से मिलेगा कैश प्राइज, उसके साथ रॉयल फैन की तरफ से रूम कूलर एंड मोबाइल फोन फ्रॉम फेस फ्रेश। हमने एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट तैयार किया है आप लोगों के लिए सर्विस टायर्स की जानिब से। बहुत ही एक आसान सा सवाल आपसे पूछा जाएगा एक वीडियो क्लिप दिखाने के बाद, ठीक है? क्या स्टाइल है बॉस, मगर ग्रिप टोटल लॉस। सर्विस टायर्स लगवाओ और रोड ग्रिप के साथ स्टाइल दिखाओ। हाथ उठाएंगे जिसको जवाब आता होगा। क्या स्टाइल ज्यादा जरूरी है या स्टाइल के साथ ग्रिप भी जरूरी है? जी बेटा, ग्रिप ज्यादा जरूरी है स्टाइल के साथ। यानी कि स्टाइल और ग्रिप दोनों दोनों। दैट इज द राइट आंसर। कांग्रेचुलेशन। ये वन ऑन वन हमारा सेगमेंट है। पहला सवाल, वन यूनिट बिल पर राय शुमारी के वक्त इसकी हिमायत में कितने वोट आए? 39, 41, 43 या 45? 45. Wrong answer. The right answer is 43. Don't worry. Four more questions. पाकिस्तान के पहले पार्लियामानी दौर में सबसे कम मुद्दत के वजीर आजम कौन थे? आई चंद्रीगल। राइट आंसर। वैसे मैंने तुम्हें ऑप्शंस देने थे लेकिन चलो, यू डोंट नीड ऑप्शंस। वेल डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। वन क्वेश्चन रॉन्ग, वन क्वेश्चन राइट हो गया। पाकिस्तान की पहली काबीना में वजीर कानून कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल, फजलुर रहमान, मलिक गुलाम मोहम्मद या सरदार अब्दुल रब नश्तर? जोगिंदर नाथ मंडल। बिल्कुल सही। सूबा सरद, ऑल्सो नोन एज केपीके नाउ, में डॉक्टर खान साहब की वजारत बरतरफ करके किसको वजीर आला बनाया गया? पीर ऑफ मंकी शरीफ, सरदार अब्दुल रब नश्तर, सरदार औरंगजेब या फिर खान अब्दुल कयूम खान? खान अब्दुल कयूम खान। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारे वेरी सीरियस यंग मैन कैसा जवाब देते हैं। उत्तर प्रेशर इज हाई। तीन जवाब उन्होंने सही दे दिए हैं पांच में से और अभी पांचवा सवाल बाकी है। किस वजीर आजम के दौर में बंगाली जबान के हक में जुलूस निकालने वालों पर गोली चलाई गई? ख्वाजा नाजमुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, लियाकत अली खान या चौधरी मोहम्मद अली? मोहम्मद अली बोगरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो थ्री राइट आंसर्स, टू रॉन्ग आंसर्स। महम, गुड लक। थैंक यू। ओके, रेडी? यस। निजामे इस्लाम पार्टी किसने कायम की? हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सरदार अब्दुल रब नश्तर, सिकंदर मिर्जा या चौधरी मोहम्मद अली? हुसैन शहीद सोहरवर्दी। रॉन्ग आंसर। चौधरी मोहम्मद अली। बढ़ते हैं माम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दरवाजा बंद करो मुहिम किस वजीर आजम ने शुरू की? लियाकत अली खान, आई चुनरीगढ़, ख्वाजा नाजमुद्दीन या फिर फिरोज खान नून ने? फिरोज खान नून ने। आंसर इज रॉन्ग। आई चुनरीगढ़। ओके, अब इन तीन सवालों के अगर आपने जवाब सही नहीं दिए तो
आप जो भी आपने अब सवाल गलत किया उस पर आप एलिमिनेट हो जाओगे. ओके, थर्ड क्वेश्चन. पहली दस्तूर साज असेंबली कितना अरसा कायम रही? 6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल? पहली दस्तूर साज असेंबली 1954 में खत्म हुई थी. 9 साल. रॉन्ग आंसर. द राइट आंसर वाज 7 साल. नूर अहमद साहब, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है क्या हुआ है? आप जीत गए हैं. ओके, थैंक यू. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू नूर अहमद. यू आर द विनर ऑफ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ ने आली शान. बिल्कुल. एंड यू आर द रनर अप, सो इट्स ओके. यू डिड अ गुड जॉब. वेल डन. और आपके लिए फेस फ्रेश की तरफ से मोबाइल फोन. कांग्रेचुलेशन. और जैसे कि आप जानते हैं, जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल. और ये है आपका कैश प्राइस फ्रॉम सर्विस टायर्स. कांग्रेचुलेशन बेटी, बहुत बहुत मुबारक हो. रॉयल फैंस की तरफ से रॉयल का रूम कूलर भी आपके साथ घर जाएगा. कांग्रेचुलेशन नूर अहमद साहब जी. अब आपके तहाइफ की तरफ बढ़ते हैं. जरा हैवी तहाइफ है आपके. सर्विस टायर्स की जानिब से आपको बाइक की तो हम दे सकते हैं ना. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस बेटा. वेल डन. मुबारक हो. बहुत बहुत मुबारक हो. और फेस फ्रेश की तरफ से आपके साथ जाएगा एलईडी. और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का. एक कोशिश है, एक काविश है. जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपने इस पाक वतन, इस खूबसूरत वतन को बहुत मेहनत, बहुत काविशों, बहुत खून बहा के पाया है. अपने मुल्क की कदर करें और हमारा शो देखते रहें ताकि आपकी और हमारी नॉलेज में इजाफा होता रहे. देखते रहिएगा अजमे आलीशान पाकिस्तान. जिंदाबाद.